व्हाट इज वीपीएन, वीपीएन कैसे वर्क करता है और वीपीएन क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीपीएन के बारे में। ठीक है, वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिस पर आप किसी भी दूसरी देश की वेबसाइट हो गई या एप्स हो गया, यानी कि आपका जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया में कोई वेबसाइट है या एप्स है वो ब्लॉक है, यानी कि वो बंद है, उनको उसको आप यूज नहीं करते, तो आप इंटरनेट पर मतलब वीपीएन का यूज कीजिए। वीपीएन बहुत सारे वीपीएन है, टर्बो वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, बहुत सारे मतलब इसी तरीके के बहुत सारे वीपीएन हैं, तो आप उनका यूज कीजिए। उनमें क्या होता है, उनमें सर्वर दिए होते हैं। जैसे आप उन वीपीएन को ओपन करोगे तो उनमें बहुत सारे सर्वर दिए होते हैं। उन सर्वर से क्या होता है, आप किसी भी कंट्री का सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यूएस का सर्वर कनेक्ट किया तो मैं जो यूएस की मतलब इंटरनेट है उससे कनेक्ट हो जाऊंगा, यानी कि जो मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी है जो मेरी, वो चेंज हो जाएगी, वो यूएस के सर्वर पर कनेक्ट हो जाएगी और ऐसे ही वर्क करेगी। मतलब जो यूएस की वेबसाइट है वही वेबसाइट उसमें आएगी, वही मतलब एप्स उसमें शो होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया में मतलब बैन है उनका आप यूज कर सकते हो, यूएस की जो वेबसाइट है उसको चला सकते हो। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, वो हाइड हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट जो आईपी वीपीएन है वो हैकर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं आईपी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए प्रोक्सी का भी यूज करते हैं। प्रोक्सी वीपीएन से अलग होती है, उसके बारे में मैं आपको अगली मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वीपीएन का यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो जो भी आपको सर्वर कनेक्ट करना है जिस भी कंट्री का, यूएस का हो गया या मतलब जो भी दूसरी कंट्री है उनका हो गया, तो जिस भी कंट्री पर आप कनेक्ट कर मतलब क्लिक करोगे उसी कंट्री के सर्वर से आप कनेक्ट हो जाओगे और उसी कंट्री के आप एप्स या कुछ और वेबसाइट होगी उसका यूज कर सकते हो और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड कर सकते हो। वैसे जो वीपीएन है उसकी आइडेंटिटी को निकाला जा सकता है अगर उस एप्स के ओनर या मतलब जो उस एप्स की कंपनी है वे डेटा लीक कर दें, पर वैसे इतना आसान नहीं। गाइस बस यही था वीपीएन के बारे में इंफॉर्मेशन, वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वीपीएन के बारे में, बस आज की वीडियो में मैंने कोई ये बताना था कि वीपीएन क्या होता है। एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिससे आप कोई भी देश के सर्वर है, जो किसी भी देश का सर्वर है उससे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था और वीपीएन के बारे में बताना था। अगर आपको वीपीएन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि पेड वीपीएन बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे वीपीएन का यूज करना है और जो प्रीमियम अकाउंट है वो आपको फ्री में कैसे मिलेगी, यानी कि 60 से 70 डॉलर का अकाउंट है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।